हरित नमो न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खबरों के सिलसिले में आज की सबसे आम खबर की बात करते हैं। यहाँ सुल्तानपुर कस्बे में गत दिनों 10 नवंबर को पकड़े गए पाक नागरिक गिरफ्तारी प्रकरण में आज एक नया मामला सामने आया। यहाँ सुल्तानपुर पुलिस द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए आरोपी पाक नागरिक की सहायता करने वाले एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया। सुल्तानपुर विशेष टीम द्वारा छत्तीसगढ़ जाकर रायपुर से शफीक खान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस शफीक खान पर पाक नागरिक को अजमेर में उसकी आईडी से सिम कार्ड दिलवाने और उसे होटल में ठहरने में मदद करने का आरोप है। कोटा जिले की सुल्तानपुर पुलिस द्वारा पाक नागरिक प्रकरण में एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त की है। यहां सुल्तानपुर पुलिस द्वारा पाक नागरिक की अजमेर में सिम कार्ड खरीदवाने और होटल में रुकवाने में मदद करने वाले आरोपी शफीक खान पुत्र हनीफ खान को उसके घर जाकर कड़ी मशक्कत के साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी शफीक खान ने पाक नागरिक अब्दुल हनीफ की अजमेर में सिम दिलवाने और होटल में रुकवाने में मदद की थी। उसके आईडी से ही उसने सिम कर दी थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ जाकर कड़ी मशक्कत के साथ पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार न्यायालय में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि 10 नवंबर को सुल्तानपुर कस्बे के हाड़ा मार्केट में अवैध रूप से भारत में घुसे पाक नागरिक अब्दुल हनीफ को सुल्तानपुर पुलिस व खुफिया एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसका मामला भी चल रहा है। पाकिस्तानी नागरिक नेपाल के सहारे अजमेर होते हुए सुल्तानपुर कस्बे में पहुंचा था। सुल्तानपुर पुलिस द्वारा एक बार फिर सफलता प्राप्त करने से कस्बे वासियों में हर्ष की लहर है। पुलिस ने अपनी काबिलियत फिर से साबित की है।